एक शाम मुल्ला रसोई में कुछ बना रहा था। वह अपने पड़ोसी के पास गया और उसने एक बर्तन मांगा और वादा किया कि अगली सुबह उसे वह बर्तन लौटा देगा। अगले दिन मुल्ला पड़ोसी के घर बर्तन लौटाने के लिए गया। पड़ोसी ने मुल्ला से अपना बर्तन ले लिया और देखा कि उसके बर्तन के भीतर वैसा ही एक छोटा बर्तन रखा हुआ था। पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला यह छोटा बर्तन किस लिए? मुल्ला ने कहा, अरे तुम्हारे बर्तन ने रात को इसी बच्चे बर्तन को जन्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें दोनों वापस कर रहा हूँ। पड़ोसी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने वे दोनों बर्तन मुल्ला से ले लिए। अगले ही दिन मुल्ला दोबारा पड़ोसी के घर गया और उससे पहले वाले बर्तन से भी बड़ा बर्तन मांगा। पड़ोसी ने खुशी खुशी उसे बर्तन दे दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन मुल्ला बर्तन वापस करने नहीं आया। मुल्ला और पड़ोसी बाजार में खरीदारी करते टकरा गए। पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला मेरा बर्तन कहाँ है? मुल्ला ने कहा, वो तो मर गया। पड़ोसी ने हैरत से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन भी कभी मरते हैं? मुल्ला बोला, क्यों भाई, अगर बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते।